अराउओ का झगड़ा हो गया भाई रफीनिया के साथ, और दोनों बार्सिलोना के प्लेयर हैं भाई 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 एकदम, लेकिन आपस में झगड़ पड़े इन द लेटेस्ट गेम ऑफ कोपा अमेरिका ब्राजील वर्सेस उरुग्वे, जिसमें ब्राजील आउट भी हो गई। तो उस गेम के बारे में बात करेंगे, इस झगड़ा क्यों हुआ बात करेंगे, और उस झगड़े में क्या अराउओ इंजर्ड हो गए हैं भाई, काफ़ी लंबी खासी इंजरी। आज की वीडियो में झगड़े और गेम से रिलेटेड भाई साहब पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ वी वांना डिस्कस कैसे जूड बेलिंगम विनीशियस के साथ जो रेस चल रही थी बैलेंडोर की, उसमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है क्या स्टैट्स हैं अभी तक के, थोड़ा सा अपन भी डिस्कस करते हैं ना कि किसको जीतना चाहिए किसको नहीं जीतना चाहिए। थियागो ले लिए भैया रिटायरमेंट, तो वेरी सैड न्यूज, एंड जो फिलिक्स का कहानी समझ में आ रहा है विद बेनफिका। जी हाँ दोस्तों, जहां के थे वही उनका जो है वो अब हो सकता है ट्रांसफर हो जाए। तो है वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। बाकी वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ब्राजील वर्सेस उरुग्वे वाला गेम। अब देखो, आई विल बी 100% ऑनेस्ट विद यू गाइस, मैंने वो गेम नहीं देखा है भाई। आई वॉच्ड इनफ फुटबॉल, ठीक है, अगर मैं फुल टाइम यूट्यूबर रहता तो मैं देख लेता भाई, लेकिन मैं नहीं हूँ फुल टाइम यूट्यूबर। मेरे को सुबह उठ के कोर्ट भी जाना पड़ता है, तो भाई मैं इतना फुटबॉल देख करके थक चुका था। दो दिन में मेरे ख्याल से मैं 4 या 5 3 घंटे ही सोया हूँगा, हिम्मत ही नहीं बची भाई ब्राज़ील उरुग्वे का गेम देखने के लिए। जितना हाइलाइट्स भी नहीं देखा, मन उब गया भाई फुटबॉल देख देख के। आखिर में बस इतना पता है कि पेनाल्टीज़ में गेम चला गया था और पेनाल्टीज़ में जो है वो उरुग्वे जीत जाती है, ठीक है। ब्राज़ील इज़ आउट, काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं ब्राज़ील नेशनल टीम के ऊपर कि ये ब्राज़ील लोग ब्राज़ीलियन टाइप खेल नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। ब्राज़ील फुटबॉल इज़ दैट, रोनाल्डिन्हो जो एडवर्टीज़मेंट वाला पोस्ट किया था कि मैं संन्यास ले लिया भैया ब्राज़ील को अब कभी नहीं देखूंगा, वो सच हो गया, रोनाल्डिन्हो ने सही बात कही थी, एसेट्रा 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 एसेट्रा। सवाल विनीशियस जूनियर के ऊपर भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि विनीशियस जूनियर को सस्पेंड किया था इस गेम के लिए, बिकॉज वो रेफरी के साथ जो है वो थोड़ा झगड़ा पगड़ा कर लिया था। तो अब वही हो रहा है कि तू ये जो अपना चाइल्डहुड एंटिक्स दिखाता है ना ऑन दी फील्ड, जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा और कॉन्ट्रोवर्सी, देख तेरे चलते ब्राज़ील हार गई, क्योंकि तेरे को इस सिचुएशन में ब्राज़ील काफ़ी ज़्यादा नीड करती थी, मतलब ब्राज़ील को काफ़ी ज़्यादा नीड थी तेरी, और तूने अपने चाइल्डहुड एंटिक्स के चलते एग्जिट ले लिया इस गेम में और ब्राज़ील हार गई गेम जा करके। अब दी हाइलाइट्स ऑफ दी गेम दो जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक हाइलाइट तो उरुग्वे जीत गई, क्या क्या सवाल उठाए गए ब्राज़ीलियन टीम के ऊपर वो भी मैंने बता दिया। दो हाइलाइट, एक हाइलाइट था जहाँ पे दो बार्सा प्लेयर्स ही आपस में लड़ भिड़े भाई। अब कहानी कुछ ऐसी हो गई कि कुछ कहानी चल रही थी जहाँ पे एंड्रिक खड़ा हुआ था, बातचीत कर रहा था, और पीछे से अराउओ आते हैं रेफरी के सामने और एंड्रिक को काइंड ऑफ थोड़ा सा धक्का देते हैं। आई वुड नॉट से कि वो एकदम ऐसा पुश था जिससे एंड्रिक को गिर जाना चाहिए, धक्का था नो डाउट, और एंड्रिक फेंका जाता है उससे, ठीक है। उसको देख करके जो ब्राज़ीलियन कैप्टन है वो कैप्टन वाला जो है वो उनके अंदर घून आ गया, और अराउओ के पास आकर के भाई उन्होंने अराउओ को धक्का मार दिया। नाउ लेट मी टेल यू हुआ क्या है सच्चाई। ऑब्वियसली भाई थोड़ा सा गुस्सा आता है, ठीक है, मैं भी खेल रहा हूँ, मेरा दोस्त थोड़ा सा नाटक करेगा तो मैं भी उसको धक्का मार दूंगा जाके, क्या कर रहा है बे चूतिया है क्या, होता है ऐसा, ठीक है। तो ये दोस्ती दोस्ती वाली कहानी थी। द थिंग व्हाट हैपेंड वाज कि अराउओ का फेस नहीं था रफीनिया की तरफ, और रफीनिया ने आ करके थोड़ा सा ही ऐसे धक्का मारा था। ऑब्वियसली भाई ये गेम जो है कोपा अमेरिका का चल रहा है, प्लेयर्स एक्टिंग करते हैं सो दैट ओपोनेंट को जो है वो कार्ड मिल जाएगी, देखो मेरे को कितने जोर से धक्का मार दिया, अरे मैं फेंक आ गया ऐसे करके। तो वो नौटंकी करने के लिए अराउओ थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो गिरने का एक्टिंग किया रफीनिया के थोड़े से पुश से, जिसके बाद रफीनिया उसको पकड़ भी रहा था शर्ट में। अगर तुम इस क्लिप को स्लो मोशन करके देखना तो क्लिप में दिख रहा है वो शर्ट ऐसे होल्ड कर रहा है कि अबे गिर क्यों रहा है तू, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा हीट ऑफ द गेम था तो दोनों थोड़ा सा ऐसे थे, जिसके बाद रफीनिया को खींच के ले गए दूसरे प्लेयर्स और उसको बोले कि भाई ठंड रहा क्या कर रहा है। और फिर उसके बाद ऐसा रफीनिया और अराउओ के बीच में ऐसा कुछ कॉन्ट्रोवर्सी नहीं नजर आया, नथिंग हैज बीन स्पोकन अबाउट इस जो है वो पूरे मैटर में। होपफुली अगले गेम से पहले पता चल जाए कि क्या कहानी है, बट जहां तक है समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट इट वॉज अ हीट ऑफ अ गेम वाला मूवमेंट। और अराउओ ने थोड़ा सा एक्टिंग ज्यादा कर दिया गिरने का कि उसको येलो कार्ड मिल जाए, जो भी ब्राज़ीलियन प्लेयर ढकेला वो नहीं देखा कि उसको रफीनिया ढकेला था। एनीवेज मूविंग आउट इस पूरे डिस्कशन से, ये लड़ाई झगड़ा वाले में अराउओ को एक इंजरी भी हो गई भाई। इंजरी कैसे हुई, अब ना द थिंग हियर इज कि अराउओ को ये नो कॉन्टैक्ट इंजरी हुई है। अब नो कॉन्टैक्ट इंजरी बोले तो कि मतलब आप किसी प्लेयर से जो है वो टकराए नहीं, कुछ ऐसा कॉन्टैक्ट हुआ नहीं और आपको मतलब लग गया, तो इंजरी समझ में आ रही है। दिस इज अ इंजरी जो खुद ब खुद हुई है, अराउओ स्ट्रेच करते और उनका हैमस्ट्रिंग शायद पुल हो गया। इस क्लिप में आप देख सकते हैं यही है मूवमेंट जिसमें अराउओ ने स्ट्रेच किया और उसका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, और अब जो है वो ऐसा माना जा रहा है कि इसकी इंजरी से ये रिकवर होगा 2 महीने में भाई साहब, यानी कि बार्सिलोना में वो 1 महीना तो मिस करने वाला है, ये आप मान लें।
यार पेद्री भी इंजर्ड, रावो भी इंजर्ड, क्या चल रहा है भाई? और ना रावो की इंजरी भी कंसर्निंग है भाई, वो बहुत इंजरी हो रहा है उसको। आप लोग याद करिए, पिछले सीजन भी ही वॉज इंजर्ड, पिछले के पिछले सीजन वॉज ही वॉज ऑल्सो इंजर्ड। तो ये मसल इंजरी है काइंड ऑफ, आपके मसल से स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रेचिंग में फट जा रहे हैं भाई, दो दो महीने की इंजरी हो जा रही है आपको। तो कोपा अमेरिका तो मिस करेगा ही अगला मैच, विच इज़ गुड, बिकॉज अर्जेंटीना के साथ शायद फाइनल्स में अपन को नजर आ जाए। गुड गुड वेरी गुड, ठीक है। लेकिन फिर भी बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से तो भाई बुरा हुआ। लेकिन अब देखो हांसी फ्लिक किसको चांस देगा, क्योंकि क्रिश्चियनसन, आपका कुंडे, आपका पाउ कुबार्सी, अब मिकेल फाई के लिए भी दरवाजा खुलेगा, शायद इनिको मार्टिनेज ट्रांसफर ले ले होपफुली। सो देखते हैं मिकेल फाई को चांस मिलता है कि नहीं मिलता है अंडर हांसी फ्लिक, क्योंकि मिकेल फाई का ट्रांसफर अभी कंफर्म नहीं नजर आ रहा है। एनीवेज लेट्स मूव आउट इस ब्राजील वर्सेस उरुग्वे के गेम में, थोड़ा सा दुखी वाली मोमेंट्स भी, अच्छे वाले मोमेंट्स भी। लेट्स सी अब क्या होता है भाई, इंजरी से रिलेटेड क्या कहानी, और लड़ाई झगड़े में ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगली खबर के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। तो कैसे जूड बेलिंगम जो है वो अब फेवरेट नजर आ रहे हैं विनीशियस से, तो ऑब्वियसली विनीशियस जो है वो आउट हो गए कोपा अमेरिका में ब्राजील से, और अब जो है वो ऐसा समझ में आ रहा है, बिकॉज एक टाइम ऐसा समझ में आ रहा था कि विनीशियस जूनियर इज द फेवरेट टू विन बैलन डॉर। अब भाई ये वाले सीजन के बैलन डॉर में जो भी आप इंटरनेशनली करे हो वो भी काउंट करेगा, क्योंकि भाई ये वो वाला बैलन डॉर नहीं जिसमें कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं हो, हम गिने नहीं इंटरनेशनल टूर्नामेंट में क्या हुआ है। अगर केवल डोमेस्टिक की बात करें क्लब लेवल पे, तो अभी तक विनीशियस और जूड बेलिंगम के जो है वो स्टैट्स लगभग सेम से नजर आ रहे हैं। आप अगर देखें तो विनीशियस जूनियर ने भी 39 गेम्स खेल करके 24 गोल और 11 असिस्ट जो है वो मारे हैं। टॉकिंग अबाउट आपकी जूड बेलिंगम, उसने 42 गेम्स खेल करके 23 गोल और 13 असिस्ट दिए हैं, तो लगभग सेम सा स्टैट है। अब इस मैटर में उन्होंने ट्रॉफीज भी सेम जीती, जो विनीशियस ने जीता होगा वो जूड बेलिंगम ने भी जीता होगा, ठीक है। और वो भाई इंडिविजुअल ट्रॉफीज जूड बेलिंगम ने ज़्यादा जीती, लालीगा प्लेयर ऑफ द सीजन, लालीगा बेस्ट और कुछ जीता है, ठीक है, वो लॉरेस अवार्ड जीता है, और बहुत सारे इंडिविजुअल अवार्ड्स वो आए भाई जीता है जूड बेलिंगम, ठीक है। मेरे ख्याल से वो यूएफए वाले में भी कुछ वो जीता था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉपर ट्रॉफी मेरे ख्याल से, पता नहीं यार मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, बट हाँ उसने बहुत सारे इंडिविजुअल ट्रॉफीज उठाए हैं। तो अब जो बैलन डॉर वाला रेस है उसमें इंडिविजुअल ट्रॉफीज प्लस द कलेक्टिव ट्रॉफीज यू हैव वन फॉर द क्लब एंड फॉर द इंटरनेशनल वाले सिनेरियो एज वेल, आपने क्या किया वो भी काउंट करेगा। तो अब विनीशियस जूनियर तो आउट हो गया, विनीशियस जूनियर और जूड बेलिंगम के स्टैट्स लगभग सेम ही रहे हैं। विनीशियस जूनियर ने 3 गेम खेल करके 2 गोल मारे, 0 असिस्ट, जूड बेलिंगम ने 5 गेम्स खेल करके 2 गोल मारे, लेकिन अब जूड बेलिंगम सेमीफाइनल्स में, और सेमीफाइनल्स के बाद क्या पता फाइनल्स में भी आ जाए। तो अब देखो जूड बेलिंगम का जो है वो ऐसा माना जा रहा है कि दावेदारी इस सीजन के बैलन डॉर के लिए ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, बिकॉज ही हैज वॉन मोर इंडिविजुअल ट्रॉफीज, दोनों ने क्लब लेवल में सेम ट्रॉफीज जीती हैं, गोल्स और असिस्ट लगभग सेम ही है, और इंटरनेशनल लेवल में जूड बेलिंगम आगे है विनीशियस जूनियर से अपेरेंटली। व्हाट इफ जूड बेलिंगम गेट्स आउट इन दिस सेमीफाइनल्स, नेदरलैंड के खिलाफ जो सेमीफाइनल है इंग्लैंड का, उसमें जूड बेलिंगम बाहर हो जाए, तो फिर बैलन डॉर किसको मिलना चाहिए? आई वुड स्टिल गो एंड से कि जूड बेलिंगम को मिलना चाहिए। इंडिविजुअल ट्रॉफीज को आप देखिए, क्लब लेवल में तो लगभग सेम ही जीते हैं, और फिर इंटरनेशनल में वो सेमीफाइनल्स तक पहुंचा, वो मेरे ख्याल से काउंट करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ रिसेंसी बायस होगा, और रिसेंसी बायस में जो है वो जूड बेलिंगम का नाम थोड़ा ज्यादा चमकते रहेगा, एंड आई फील दैट जूड बेलिंगम इज गोइंग टू विन द बैलन डॉर 2024। आपकी क्या ओपिनियंस है बिटवीन दिस फाइट ऑफ बैलन डॉर बिटवीन विनीशियस जूनियर एंड जूड बेलिंगम? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ब्राजील फ्रॉम कोपा अमेरिका, थोड़ा सा विनीशियस जूनियर का पड़ला हल्का पड़ गया है। अब अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, और वो है हमारे जॉ फेलिक्स से रिलेटेड। यार अब ना बार्सिलोना में तो जॉ फेलिक्स का सफर खत्म ही हो गया है। इसके पीछे दो रीजन है। नंबर एक रीजन ये है कि बार्सिलोना जो है वो भाई अपने पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, पैसा है या फिर प्लेयर रजिस्टर करने का जो भी उनके पास रूम है, वो नीको विलियम्स के ऊपर उन लोग लगाना चाह रहे हैं। उन लोग जॉ फेलिक्स को नहीं लाना चाह रहे, उसके ऊपर पैसे नहीं वेस्ट करना चाह रहे। एंड द सेकंड रीजन इज कि अगर कुछ इंटरेस्ट होगा भी जॉ फेलिक्स को वापस लाने का, तो वो लोन डील के ही थ्रू होगा। उन लोग पैसे नहीं देना चाह रहे एथलेटिको मैड्रिड को। बट एथलेटिको मैड्रिड के पास ऑलरेडी 2 क्लब्स आ गई हैं जॉ फेलिक्स को लेने के लिए, ट्रांसफर फी जो है वो देने के लिए तैयार है। तो एथलेटिको मैड्रिड यही कह रही है कि भाई ट्रांसफर फी में जाएगा तो हम वापस से लोन में क्यों बेचें, हमारा लॉस है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कहानी क्या है। 2 सोर्सेस हैं यार, दोनों सोर्सेस ने ये बताया कि एथलेटिको मैड्रिड 20 मिलियन केवल जो है वो मांग रही है जॉ फेलिक्स के लिए, विच आई फील इज नॉट ट्रू। एनीवेज एज पर दी रिपोर्ट, पहला रिपोर्टर का हिसाब से अगर हम माने तो 20 मिलियन एथलेटिको मैड्रिड मांग रही है, और बेनफिका जो है वो 12 मिलियन देने के लिए तैयार है। 12 मिलियन जो है वो भाई किसी भी हालत में एथलेटिको मैड्रिड एक्सेप्ट नहीं करेगी इस जो है वो डील के लिए। एथलेटिको मैड्रिड जो है वो चाह रही है कि 20 मिलियन तक का हमको पैसा मिले। लेकिन फिर कुछ देर के बाद दूसरे रिपोर्टर ने ये कहा कि एथलेटिको मैड्रिड जो है वो सच में 20 मिलियन मांग रही है बस। तो फिर समझ में आया कि हाँ शायद हो सकता है एथलेटिको मैड्रिड 20 मिलियन मांग रही, विच इज़ वे लेस देन व्हाट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, एंड मेरे ख्याल से फुटबॉल क्लब भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन आगे एक और रिपोर्टर आता है, जो पहला रिपोर्ट जो है वो सजेस्ट किया था, उसने ये बोला कि 32 मिलियन जो है वो एस्टन विला देने के लिए तैयार है जॉ फेलिक्स के लिए।
अब ये रिपोर्ट्स बहुत ही अनरिलायबल समझ में आ रहे हैं। कोई बोल रहा है 20 मिलियन मांग रही है, कोई बोल रहा है 12 मिलियन जो है वो बेनफिका देने के लिए तैयार है, फिर कोई बोल रहा है कि हाँ सच में 12 ही मिलियन देने के लिए बेनफिका तैयार है, फिर कोई आकर के बोल रहा है कि बेनफिका जो है वो भाई प्राइस बढ़ा दी है, 32 कर दी है और एस्टन विला भी जो है वो तैयार है उसको लेने के लिए। Go, Felix to Benfica, Juš, at the moment I'm not aware of anything advanced. In case I would be aware of anything advanced between Joe Felix and Benfica, I will let you know. तो ये चीज तो कंफर्म है कि एथलेटिको मैड्रिड जो है वो बेचने के लिए तैयार है जो फिलिक्स को, और वो बार्सिलोना नहीं लौटेगा। लेकिन अब वो कौन से क्लब जाएगा, विल इट बी बेनफिका और विल इट बी एस्टन विला, ये चीज अपन को वक्त ही बताएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या डेवलप होगा और फिर अपन जो है वो इसके ऊपर प्रॉपर आपको खबर बताएंगे। अब आखिरी खबर के ऊपर आ जाएं दोस्तों, तो और वो है हमारे थियागो अल्कांट्रा से रिलेटेड, और वो ये है कि थियागो अल्कांट्रा रिटायरमेंट ले रहे हैं फ्रॉम फुटबॉल, फ्रॉम एवरी फुटबॉल क्लब, फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल एवरीथिंग। अब थियागो अल्कांट्रा जो है वो लिवरपूल के ही खिलाड़ी हैं अभी भी फिलहाल, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंजरी से पीड़ित हो गए, जिसके चलते शायद ऐसा डिसीजन आया है कि ही इज़ लीविंग फुटबॉल वंस फॉर ऑल। सो ऑब्वियसली अ लेजेंड ऑफ द गेम, अ मिडफील्डर जिसके लिए जो है वो भाई साहब क्या बोलूँ, हर एक जो है फुटबॉल फैन का दिल धड़कता था। प्लेड ब्यूटीफुल गेम इन बार्सिलोना, मूव टू बायर्न, भाई प्लेड ब्यूटीफुल गेम ओवर देयर। लिवरपूल में भी शुरुआत में अच्छे गेम्स उन्होंने दिखाए, बट फिर इंजरीज ने जो है वो भाई इनका सीज़न प्लेग कर लिया और अब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। ऑल दो दिस रिटायरमेंट का जो है वो खबर वॉज ब्रॉड बाय फैब्रिजियो, ये जो है वो अनाउंसमेंट थियागो ने खुद नहीं किया, जिसके चलते फैब्रिजियो ने एक्सक्लूसिव भी लिख दिया था कि भाई एक्सक्लूसिव मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके चलते थोड़ा सा फैब्रिजियो को डांट भी पड़ी कुछ फैंस के द्वारा कि भाई ये रिटायरमेंट वाली जैसी चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट होता है फॉर द फुटबॉल प्लेयर, तो लेट देम अनाउंस इट फर्स्ट, उसके बाद फिर आप बताइए तो बेटर रहेगा। एनीवेज अब एक्सक्लूसिव बोल रहा है तो क्या थियागो ने उसको खुद बताया कि तू जा बता दे सो दैट वो खबर ज़्यादा फैल जाए, क्योंकि फैब्रिजियो को पूरी दुनिया जानती है, सब फॉलो करते हैं, या फिर क्या है ये कहानी नहीं पता, बट फैब्रिजियो को कल थोड़ी सी गाली जरूर पड़ी इस चीज़ के चलते। खैर ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में, आशीष के साथ, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।